7 मई 2019 आज अक्षय तृतीया है और कई जगहों से फ़ोन भी आया है तो उनके लिए बंदर भोज के लिए हमने को जाना पड़ा। भयंकर इस समय गरम गरम लू चल रही है, बहुत भयानक लू चल रही इस समय। अब बेटी ही गाड़ी चला के लेके जाएगी, आशीषा नंदोक तो बाहर कहीं जा रहे हैं, तो बंदर के लिए आज विशेष तौर से रोटी, इनको बड़ा पसंद है बंदरों को, तो ये रोटी सब बनाई जा रही है, इसको आप देखो। ये थोड़ा और बड़ा बर्तन ले आई है ना, आटा छाने के इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है ना। बड़ा वाला परात रखा है, बहुत बड़ा है। नहीं, जैसा कहो आटा छाने के लिए स्टील के एक ले आई खरीद करके हम। ये सब रोटी बन रही बंदरों के लिए अक्षय तृतीया है। और उसी देश में शिमला में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में बंदरों को गोली मारने के आदेश दिए गए थे, तो ये सब देश देश की खंड खंड की बात है। बुलबुल बैठी थी, चली गई है बच्चे। देखिए आंखें नहीं खुली हैं और तीन बच्चा है। चलो ठीक है, छोड़ दें। अंगूर भी लग रहा है इसके अंदर, ये सब हरा हरा देख रहे होंगे हैं, अंगूर के गुच्छे हैं। तब तक ये बड़े भी हो जाएंगे, वरना अंगूर अपना बुलबुल यहीं तोड़ेगी और इनके मुख में डाल देगी। देखा ना, शहद की मक्खी का भी हमने कई बार आपको दिखाया है, ये भी सामने आप देख लीजिए सर, यही सारी व्यवस्था है। और यहाँ इतना आटा, हमारी अंजलि जो है वो सान करके रोटी बनने की तैयारी हो रही है। ये भयानक लू चल रहा है इस समय, ये देखिए सब मनोरम दृश्य। ये सब अंगूर है ना, ये अंगूर पकने पर काले रंग का अंगूर हो जाएगा। एक कोचिंग से हमने मंगवाया था, ये देखिए केला पका हुआ, सब चिड़िया चोंच मार मार के खाती हैं, सब नहीं तोड़वाया हमने, कहा चिड़ियों के लिए छोड़ो, ये चिड़ियों के लिए है। और बड़ा अच्छा केला होता है, ये पतले छिलके का, इसमें खुशबू भी है। सब देखिए चिड़िया चोंच मार मार के खा रही हैं। ये केला हम भी खाएंगे, गला हुआ लेकिन दही भी पिया है, ये खाएंगे गरम गरम केला। इसमें स्वाद है, सुगंध है, बहुत मीठा है, पतला छिलका है। करके दिखाओ, कहानी मत सुनाओ। तोता मैने की कहानी, भगवान की कथा, भगवान की कथा जब आप सुनेंगे तो आपको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा। वही बातों को, अरे वापस त्रेता की सारी बातें हैं। घोर कलिकाल में जहां पाप चरम सीमा पर हो, बंदरों को सरकार अपने वोट के चक्कर में बंदरों को गोली मरवा रही। शिमला से एक फोन आया था, उन्होंने बताया वहाँ बंदर खिलाना मना है, तो वहाँ हमने कहा किसका सरकार है, कहीं बीजेपी की है, वो अच्छे लोग हैं। हमने कहा उनका पता वता भेजिए, हम उनसे मांग करेंगे। और हमारा यही लोगों से कहना है कि भाई नेता चुनाव में जीत करके आना एक अलग बात है, चुनाव में तो एक से एक हत्यारे भी जीत करके, चुनाव जीत के सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो भगवान हो। भगवान तो वही हो सकता है जो यह काम करता हो, करके दिखाता हो, वही बाबा है, वही भगवान है, वही महात्मा है। काफी रोटी बन रही, खूब गरम गरम लू चल रही है। बस एक जले न पावे, बहुत तेज आंच ना हुए। अच्छा रोटी जल जाता है ना तो बंदर में नोच नोच का बहावा करते हैं। इतना अंजलि ने आटा छाना है,
उसने कहा मारुति चला के ही जाएंगे, लोडर चलाने में उसको दिक्कत होती है, आदत है नहीं लोडर वोडर गाड़ी चलाने की। हमने कहा चलो मारुति से चलो, हमसे लोग जुड़े हैं तो कई लोगों ने कहा है उनके नाम से भी हो जाएगा। कोई साहब मुंबई से हैं राजस्थान के रहने वाले शर्मा जी, तो उनके पिताजी के आज वो है पुण्यतिथि है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के नाम से। हमने कहा हम तो आज यहाँ बंदर बहुत सुबह कर आए हैं, शाम के लिए जो है चलिए हम वहाँ चले जाएंगे 20 किलोमीटर दूर। तो मतलब काम होना चाहिए, काम करो, कायदे से करो, मन लगा के करो, मेहनत से करो, बहुत दिन तक करते रहो, तब जा कर के फिर तुम एक्सपर्ट माने जाओगे, तुम्हारी लोगों में एक घृणा होगी। कोई काम करो वो खुले मन से करो, छिपा के नहीं, मन में छाया मतलब छल कपट ना हो, ये करो। अंजीर भी पकने ही वाला है, एक महीने के अंदर अंदर ये पकना शुरू हो जाएगा, जहाँ मई ख़त्म हुआ जून लगेगा ये पकना शुरू हो जाएगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, एक चीज़ आपको मैंने दिखाया, ये हमारी अंजलि जो है यहीं पूजा उजा करती है, शंकर जी को पर जल अक्षय तृतीया से ही माना गया है। रमू वो बटिया जो है थोड़ी झुक गई है, उसका सीधा करना है, अच्छा कई हवा हवा से शायद वो हो गया है। ठीक है मैं रख रहा हूँ, हमारी जड़ी बूटी सब धूप में सूख रही है, यही हमारा भोजन है, यह महुआ है, सुखा के रख लेते हैं, बरसात में काम आएगा, ये वही सहजन है सजीवन, पत्ती भी सुखा रहे हैं, छीमी भी सूख रही है, इनको कूट पीस के सब डिब्बे में भर के रख लेते हैं, वही सब खाते रहते हैं, वही हमारी एनर्जी है। और जब तक हमने कहा हरा है बिल्कुल आखिरी फसल का है, मोटा पड़ गया है एकदम, ये पकने का कागार पर था, तो इस वक्त पानी की छिट्टा दिया जा रहा है, एक दिन दो दिन इसकी सब्जी भी खा लेंगे। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।